जबरा फैंस के लिए तो मैं दिन दिन जबरा फैंस के लिए तो मैं दंदान नाक शिकन उसके जेब में खतरनाक नहीं जी जी जबड़ा फैंस के लिए तो मैं दंदान शिकन हसीना दांत तोड़ने वाली हसीना जी जी दंदान शिकन हसीना जबड़ा फैंस के लिए तो मैं दंदान नाक हसीना साबित हुई जबड़ा फैंस के लिए तुम्हें दंदान नाक शिकन ओए नाक दंदान शिकन जी आ जाए नाक निकाल दो दंदान शिकन नाक 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 कर दो दंदान शिकन जबड़ा फैंस के लिए तुम्हें दंदान शिकन हसीना लापो लगे कोई बात नहीं अरे ना करो कंफ्यूज हो जाए बहुत क्यूट है फिर भूल गए कह रहे हसीना जी जबरा फैंस के लिए तुम्हें दंदान चिकन हसीना खतरनाक शॉर्ट कर दियो सही है दंदान हसीना चिकन जबरा फैंस के लिए तुम्हें दंदान चिकन हसीना दंदान चिकन हसीना साबित हुई हूँ दंदान चिकन हसीना वो एक्सप्रेशन फॉलो ये दंदान जबरा फैंस के लिए तुम्हें दन दन नाक तोड़ा उड़ा दे दन दन आइटम सॉन्ग तो मलाइका अरोड़ा भी करती है लेकिन मलाइका अरोड़ा और हैनन में उतना ही फर्क है जितना अगले दो नाने शुएब अख्तर थे शाहीन आइटम सॉन्ग तो मलाइका अरोड़ा भी करती है लेकिन मलाइका और हेनरी में उतना ही फर्क हेनरी क्लिंटन बहुत वो है मीर भाई मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म के सेट पर आई हूँ जिस तरह से आप डायरेक्शन दे रहे हैं माशाल्लाह लोगों में लुटी गई लुटी में फूटी गई शिके दा डंग बजे लड़ गए नैन कुवारे कुका आ आ आ लड़ गए नैन कुवारे बुजुर्गों मैं हूं कोरियोग्राफर पप्पू आचार्य पहले मैं हूं आचार्य ठीक दोबारा खट्टे का एक्सप्रेशन दें जैसे खट्टा लगता है ना आयली पंगुड़ा खा लेंगे वन टू थ्री और पंगुड़ा तो इतना टेस्टी था और मार भी फेर होएगा ना फेड ऑफ ही नहीं होया वन टू थ्री पंगुड़ा 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 मिठा मिठा बड़ा है कि नहीं कह रहे तो अल्लाह की कसम अभी दस के हैं कहा कि मैं कह के कह रहे लेकिन नहीं शुरू ही नहीं होया खासा देखो बेजबान बच्चे पंगूड़ा 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 ओके ये चलो यार चलो चलो चल भाई कि ऐसी उधर सुपारी दंद च फसी थी उन्होंने काट रहे थे पंगूड़ा 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 मालवी पंगूड़ा पंगूड़ा पंगूड़ा
ਪੰਗੂੜਾ 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 ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਰਹਿਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਗੂੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਪੰਗੂੜਾ 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 जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे पर निर्थ भाव किया बेटे पर बेटे जन्म पर कोई बात नहीं हो जाता है कोई बात रिलैक्स बहुत अच्छे जबरदस्त आओ भाई आओ असी नहीं रेडी आओ फिर तो देखो जरा देखो कौन आ गया है जमाने पे भूल गया जो छा गया है जो छा गया जमाने पे चादर पा जमाने पे जो छा गया मैं कहने जमाने पे चादर पा अच्छा शायदा जी आप इंडस्ट्री में एज ए डांसिंग हीरोइन आई थी जी तो किस कोरियोग्राफर ने आपके इस टैलेंट को बेहतरीन इस्तेमाल किया जो मेरी पहली फिल्म थी ना जी जी कैसी बात है उसमें कोई गाना ही नहीं था ओह ओके और स्पेशली मैंने कहा था कि मेरे साथ ना कोई हीरो हो ना गाना हो और ना मेरे कोई पास आए मेरे नेड़ियों भी ना लंगे वाह नाइस इसकी क्या वजह थी वैसे ब्रेक पे पैर रख केड़ी पैर ही मेरे को गड्डी निकलने लगी है वो मौसम ये बात थी कि एक तो मैं बहुत अर्ली एज में मैंने स्टार्ट कर लिया था 10 साल की थी जब मैंने पीटीवी पर स्टूल पर खड़े होकर गाना गाया और 12 से 13 बरस की थी जब मैं फिल्मों में आई मेरे खुस्सों को हीले लगती थी बड़ी बड़ी बड़े बड़े लोग थे जो हम ट्राउज़र खुस्सा पहनते थे नीचे जो ट्राउज़र मामा जी बनता सी ना हाँ जी उत्ते मैं आपको बताऊँ हमारे जो फॉर्म वाले पजामे बनते थे कि हम बड़े बड़े लगे ओके तो बहुत अर्ली एज में आ गई तो मैं ज़रा एक झिझक थी मुझे अच्छा नहीं लगता था मैंने कहा मेरे साथ पेर ना हो उसके बाद फिर मैं जब काम कर रही थी फिर मैं तो फिर छलांग लगा कर आई ना फिर मैंने कहा आए गाना भी डांस भी ड्रामा भी फिर सब कुछ पांची देख लिया शायदा जी की कह रहे ने कामयाब होने वास्ते अर्ली एज चाहना पैंदा है तू अगली एज चाह गई लाइक वेरी अगली वाह 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 शायदा जी ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਆਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਗੱਜੂ ਮੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਐਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏਗਾ ਅਮਾਮੀਆ ਕਲੋਨੀ ਕਹਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਵਰਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਕਹਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਓ ਮੋਸ਼ਨ ਮਾਮੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਾਇਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿਆ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਔਰ ਫਨ ਨੇ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਮੇਡੀ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ चौबा है शाहिदा जी बिजली जितनी महंगी हो चुकी है ना इस दौर में तो अपना जाती राजा रेंटल होना चाहिए अगर मेरा राजा हो तो मैं गाती फिरूं किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी जरा फिर से कहना किसी दिन बनूंगी कुंडी न खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा कुंडी न खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ ਭਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਫ ਚੰਡਾ ਮਾਮੂ ਬਣੋ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਖਾਨਾ ਬਣੋ ਵੈਸੇ ਮਾਈ ਸਵੀਟ ਭਾਂਜੀ ਮਾਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਭਾਂਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਕਾਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਂਝਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਦੀ ਰੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ What the rock is cooking? Mamu, rock ko kunda dalne ka apna hi maza hai. Dekh le Mohsen da kunda jawan ho gaya, nu sharam na.
मोहसिन, यही तो तुम्हारी बातें मुझे मजबूर कर देती हैं। मैं तुम्हारे नान नफके पे आ जाऊं। तुम भी? यार मोहसिन बड़ा शरारती हो गया तू। अच्छा गल सुन, ऐसे कपड़े चेंज कराओ, मैंने लग रहा है कुर्सी चो मुंह निकल रहे। इसका क्लोज वाला जो चोला होता है वो तो बड़ा सादा सा ढीला ढाला सा एक कुर्ता होता है, आपने उसको भी इतना ग्लैमराइज कर दिया, कैसे? ऐसे कि मुझे ग्लैमर बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसी वक्त सिंपल ड्रेस में भी कोशिश करती हूँ कि ग्लैमर रहे और वो बरकरार रहना चाहिए, जैसे कि आज मेरा है। मैं इसको चेंज करना चाहती थी क्योंकि मैंने देखा लोगों को बहुत, कोई गाँव में कोई चारपाई के ऊपर बैठा है, कोई खेतों में बैठा हुआ है, ढोलों के साथ वो कर रहे हैं परफॉर्म, बहुत अच्छा लगा मैंने, इसलिए मुझे अट्रैक्ट किया तो मैंने इस वीडियो को किया। सो मैंने सोचा कि इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको चेंज करें और वो रहे भी, लोगों के जहन पर है इसको क्या करें। दो फीमेल्स मैंने रखी ढोल पर ना, वो बड़ी यूके स्टाइल में ना, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा अपने इस स्टाइल में आऊँ, हैवी ज्वेलरी क्योंकि ख्वातीन बहुत पसंद करती हैं और ड्रेसेस ऐसे हों, वो ऐसे ड्रेस भी बहुत पसंद करती हैं। सो मैंने ये इसमें चेन दिया, इसको मैं बड़ा मॉडर्न भी कर सकती थी, तो मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आएगा। आपने वो जो देसी एक टच था वो भी रहने दिया। हाँ, और वो ग्लैमर का तड़का भी लगा और मॉड भी है, वो एक मिक्सचर सा वीडियो है, फ्यूजन। हाँ जी जी बिल्कुल, उसमें ट्रेडिशन भी है, उसमें मॉडर्निज्म भी है, उसमें ग्लैमर भी है, और वो सब है जो आज की ऑडियंस मांगती है। क्या बात है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अपनी एक पार्टी बनाऊंगी। कौन सी? इस तकाम में शाहजा मिनी पाकिस्तान पार्टी। लेवल भी पूरा हो जाएगा ना, उधर जहांगीर तरीन है, इधर मोटी तरीन है। फेवरेट लिबास, साड़ी या फिर शरारा? फेवरेट तो वैसे मेरी जीन है। अच्छा, ओके। जीन मैं बहुत शौक से पहनती हूँ, हमेशा आप मुझे जीन में देखेंगे। साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है और शरारा मैं नहीं पहनती। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा चौक फुआरा। शरारा शरारा हाय अल्लाह, शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक फुआरा। गोल सफारा कफारा, गोल सफारा सफारा, गोल सफारा कफारा, गोल सफारा सफारा सफारा, गोल कफारा कफारा, बड़ा फुआरा तेनू बजे दुगाड़ा। गोल शरारा शरारा, गोल शरारा शरारा। एक पूरा शो निकलेगा इधर से। हासे हासे जे भी दस दियो, संगाड़ा तुहाडा की लगता है? मैं मम्मी हूँ। अच्छा ओके, दोबारा। अच्छा, मैं मम्मी हूँ। मेरे सरकश गीतों की वजह से मुझे सजा मिल गई है। मेरे सरकश गीतों की वजह से मुझे मौत की सजा दी गई। मेरे सरकश गीतों की वजह से मुझे मौत की सजा मिल गई। दी गई। मैं चाहत फतेह अली खान साहब को साथ ले जाकर राहत फतेह अली खान साहब से राहत फतेह अली खान साहब से चाहत भाई लेने ले आ गए ने साईं तुहानूं जान तो पहले कोई एक गीत सुना दियो सानूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। दोजक में रोमांस करे, दोजक में रोमांस करे। ठीक है, आओ ना रोमांस करें, आओ ना प्यार करें, डांस करें, आओ ना। पंजाबी लाता यार, आओ ना जिंदा टुडू टच दिल जिंदा टुडू टच दिल जिंदा प्रभावा दिन 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 हाँ ठोल दिन दिन दिन, आओ ना आओ ना डांस करें। हाँ जी सर के
क्यों क्यों दे आओ ना प्यार करें हाँ जी रोमांस ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा थैंक यू बहुत अच्छे तालियां बनती है यार मजाक को सहने का सर और उसको रिसीव करने का कुछ लोगों में कमाल है सर बहुत कॉमेडियंस दे नाल नहीं बड़ी गल वो करना बड़ी गल यार सतार कॉमेडी और गुस्सा कर जाते हैं हां जी हां जी ये आ देख ओए होए होए वो फ्रेंड हो जाते हैं अच्छा अच्छा भाई बात आयर साहब वेलकम बैक यू आर वाचिंग पब्लिक डिमांड नहीं ये नहीं ये नहीं इस तरह नहीं होता पब्लिक डिमांड वाला होता है वेलकम बैक यू नहीं सॉरी सर इन पे दे दो अच्छा कर रही है करो 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 ठीक है नहीं वो पब्लिक डिमांड वाला नहीं करो करो हम डिमांड करेंगे कर रहे हैं कर रहे हैं आपने इतना करना चले वेलकम बैक यू आर वाचिंग पब्लिक डिमांड सर वैसे अगर आप अगर क्रिकेटर होते तो क्या होता आप सर अगर आप क्रिकेटर होते तो आपका नाम क्या होता चाहत फतेह सॉरी चाहत मियादाद या चाहत इकराम अकरम अकरम वसीम अकरम से चाहत ये चाहत फतेह अली खान क्या लेने आए ये चाहत फतेह अली खान सेंटर अजी मिस्टर डेड बॉडी सॉरी क्या दी दोबारा क्या दी रेमंड चाहत नू रिवर टेम्स च मीटर उल्टा बाबे ने जिम्मे जी फिल्म बनानी है एक था चाहत ओए होए आ नहीं नहीं चोपड़िया और स्पाई थ्रिलर नहीं बनानी हाँ सर पाकिस्तान में पटियाला घराने के किसी एक गुलकार का नाम बता दीजिए पटियाला घराना देखिए जी मेरा घराना तो अल्लाह वाली फैमिली है तो पटियाला घराने के सर पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम कौन है सर निगरान वजीर आजम जी शर्मिंदा नहीं होंदा लोकां नूं कहंदा असीं मंगोल होने इस मंगोल चौधरी मांगता है तो मंगोल ही हुआ चौधरानी तो सदके की सिरियां भूनने में इतनी एक्सपर्ट है कि गांव वाले अब उन्हें सिरी देवी कहते हैं भाई हेक तो मुझे देखते ही आपके अंदर का ढाड़ी ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाता है बेदार हो जाता है बेदार नहीं बेदार हो जाता है आप बताएं कैसा लगा आपको हमारे हीरो का ये ट्रिब्यूट हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सर इम्प्रूव कैसे करूं मैं सर जी इम्प्रूव ये है कि बस आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है थोड़ी सी बिल्कुल जी, जी. आपका जो साउंड है वो बहुत अच्छा है और लय बड़ी अच्छी है ठीक है जी सिर्फ ये है कि बिल्कुल समझे कि अगर आप 3 महीने थोड़ी सी मेहनत में आ जाऊं तो 3 महीने अगर मेहनत करें तो ठीक है आपकी शागिर्दी में आऊं अगर मैं 3 महीने गल दसा जेड़ा मर्जी उस्ताद पढ़ ली वो नहीं पढ़ना जिन्हों इन्ना नहीं पता कलमा कितने तक होनी है जी मैं समझाई छोड़ा पता ना चल सी वाह भाई वाह गर्म झाड़ा कलमा तो कलमी छोरा ही लगा है चौधरी चाहत साहब जी जी मैं बड़े बड़े उस्तादों का शागिर्द होया हूँ अच्छा अच्छा घने जंगलातों में वाह तपती रेतों में हत्ता के पहले तोड़ के आतिश फिशां के ऊपर बैठ के मैंने रियाज किया है वाह 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 लेकिन मैं वायरल नहीं हुआ
आपकी आगोश में आना चाहता हूँ, मेरा मतलब है आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। वाह 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 चौधरी, ऐसा उर्दू चाखदे ने देर आयद दुरुस्त आयद, ते पंजाबी च कहंदे ने जिथे दी खोती ओथे जान खलोती। अल्लाह लबिया तैनू लैला, मैं हले थोड़े को मैं प्रोड्यूसर साहब ने मिलके जाना है, जिन्ने तुसी पिछले 40 ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਮੀ ਬਣੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ। ਰਾਇਲਟੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਦੀ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਾਹਤ ਪਾਪੇ। ਅੱਛਾ, ਐਨਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਦ ਘਾਟ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ? ਮੈਨੇ ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਜੀ ਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਸ। ਜੀ ਜੀ। ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਲਗਾਣੇ? ਮੇਨ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਉਨਸੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਵਾਲੀ ਸੇ ਕੀਆ, ਅਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੌਂਗਸ ਹੈ ਵੋ ਪੌਪ ਸੌਂਗਸ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਥ ਹਮਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਕੋ ਜੋ ਮੈਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਕੀਆ। ਜੀ ਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਾਪੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਪੀ। ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਉਦਰੀ ਚਾਹਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੇ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੌਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੂਸੀਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਦਾ ਹਰ ਜਨਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਕਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗਜ਼ਲ ਗਾਣਾ, ਪੌਪ ਗਾਣਾ, ਜੀ ਭੰਗੜਾ ਗਾਣਾ, ਇਟਸ ਸੋ ਈਜ਼ੀ, ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੋ। ਅੱਛਾ ਚਾਹਤ ਪਾਪਾ, ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਦੇ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਦ ਆਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਨੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਲਚਾ ਕੁਲਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਭੀ। ਜੀ ਜੀ, ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਬ ਮੈਂ ਆਕਰ 222 ਬੋਰ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੋ ਦਾਦ ਦੀ ਉਜ਼ਰ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਦਫਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਰਸ ਜੀ ਹੋਤਾ ਤੋ ਚਾਰ ਦਫਾ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੋ ਜਬ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਥੇ ਤੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤਾ ਰਹਿਤਾ ਥਾ। ਕੈਸੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਤੇ ਥੇ ਆਪ? ਆਹਾ, ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਇਹ ਵਖਤ ਚੌਧਰੀ ਮੋਸਣ, ਇਹ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਫੈਟਮੈਨ। ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੂਆ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਬ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਨਿਆਂ ਨੇ ਐਟਮੀ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਚਾਹਤ ਪਾਪਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਸ ਤੀਜੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਗਜ਼ਲ ਕਾ ਅਜ਼ਾਬ। इंटरनेशनल क्रिकेटर होते तो आपका नाम क्या होता, चाहत अकरम या फिर चाहत मियादाद? नहीं, एक्चुअली मैंने मेरा नाम होना था काशिफ राणा। एक्चुअली म्यूजिक में जब मैंने 8 साल पहले डिसाइड किया कि मैंने म्यूजिक ही अब करना है, मेरा ओढ़ना बिछौना म्यूजिक ही है, तो मैंने अपना नाम चेंज किया, चाहत फतेह अली खान जी रखा। वाह, जी इन्हों का नाम चाहत अकरम होता तो गांधिया फिरना सी नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, जिदी हतर बंदे बंदे दे नाल लड़दा सा, थिम जिदी हतर बंदे बंदे दे नाल लड़दा सा, एक पिंड दी कुड़ी सी लोको जिनू मैं नादर गिरदा नादर गिरदा नादर गिरदा दंडता दंडता दंडता। चाहत साहब, जैसे लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइश के बाहर लोग सुबह शाम नारेबाजी किया करते थे, जी जी, कभी आपके घर के बाहर भी म्यूजिक लवर्स ने टायर जलाए? नहीं, अलबत्ता ये वाक़ ज़रूर हुए हैं कि लोग छः छः सात सात छः घंटे रात को आ जाते हैं कि जैसे ही सुबह हो तो मैंने उनसे सेल्फी लूँ, एक फोटोग्राफ ले लूँ, ये हुआ है वाक़। क्या बात है, अभी इधर लाहौर में लाहौर में भी इधर हो रहे हैं ऐसे। नहीं, छः छः घंटे लोग इंतजार करते हैं, उसे अफवाह की उड़ाई है तुसी के अंदर बिग बी आराम कर रहे हैं। यहाँ बाहर एक बंदा खलोता होता जेड़ा कहता सी जाना ना भी हमने दो धड़ वाला बच्चा बाहर आएगा। अलबत्ता दो धड़ नहीं, दो शेर वाला बच्चा वे। बॉबी देओल नु मेरा सलाम, क्या बॉडी दिखाई है उसने एनिमल में।
What film, yaar? What trailer? Amazing. Amazing. लेकिन ज्यादती है फलक जी तुहाडी इस गल ने ना यकीन दुआता कि तुसी मोशन नु अंडर एस्टीमेट कर रहे हो। क्या मतलब है तुसा दे कहन दा कि इस बंदे दे सिक्स पैक नहीं गए टीके ला के बनाए ना। बॉबी देवल दी बॉडी तेनु पसंद आ गई है ते मोशन दी बॉडी नु के उल्ली लगी है या एदे सिक्स पैक्स ते छपाकी निकली है क्या मतलब है? अरे क्या यार मेरा अपने ही गिराते हैं सिक्स पैक्स पे बिजलियां। अच्छा वैसे चाहत पापा मेरा दिल करता है कि मैं कच्चे दे इलाके च तुसा की बुक करा ते उतो रेंजर ते पुलिस लेके पहुंच जावा। हमें ज्वाइन किया है अरसलान बलोच ने जो कि नून लीग के वर्कर हैं और चाहत फतेह अली खान साहब के दोस्त हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब के जानसार हैं और नून लीग के इंतखाबी निशान की तरह इनके पास भी अपने शेर हैं। और जोहा माड़ी बची मियां साहब के कितने नजदीक होने गया शकोस तुसी तको के मियां साहब का इंतखाबी निशान है शेर इन्होंने खुद पाले ने शेर। अरसलान आपने शेर भी रखे हुए हैं, ये महज शौक था या फिर मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में रखे हुए? जी बिल्कुल, ये मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में रखे। ओके। अब मैं चोपड़िया ये शेरा ने भी वकील अता तार नु कीता सी। अफजल मरवत नु करना सी लेकिन ओदे वल्लों ते प्रोग्राम वाड़ गया है। शेरों की खुराक तो यहाँ बैठी है तो वो वहाँ बैठे केक रस खा रहे हैं। जब हम यहाँ पे आए तो चाहत साहब ने अपने हाथों से आज शेरों को उनके खुराक दी। वाह वाह। उसके कहते आगे शेर पामे थुकते फेर रहे हो। अरसलान इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या होंगे? मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं? गल्ला कर दी है जोहा और तू तक पापे अरसलान की वेस्टकोट की तैयारी तो तेन लग नहीं रहा कि मियां साहब की डील हो चुकी है? माफी चाहना जी क्या वो इलेक्शन जीत सन? चलिए अरसलान की तैयारी तो लग रहा है भी मंडी च उन्होंने सब तो महंगा ले ला ला लिया है। जी अल्लाह का शुक्र है जैसे आप लोग देख रहे हैं जब से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं सारे गरीब लोग मजदूर तबके के सर्वे हो रहे हैं वो लोग बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ ही आएंगे वजीर आज़म। वाह ओके। ए माके चौधरी अरसलान साहब ए नाल शेर लेके आए हो या चौधरी चाहत फतेह से बह के आए हो? जब से चाहत साहब यहाँ पे लाहौर में आए हैं कोई मुझे शेरों का नहीं पूछ रहा सारे चाहत साहब का पूछ रहे हैं चाहत साहब से मिलवा दे। वाओ ते भी दस दो आजकल जेड़ा वड्डा कीमा है वो शेरों नु पा रहे हो कि चाहत पापे नु पा रहे हो? आजकल जो कीमा या गोश्त है शेर नहीं खा रहे वो कह रहे हैं सिर्फ चाहत साहब का हमें गाना सुनाए जो हम आपके साथ आए। हाय कह भी टाइम आसी जी शेर आकसन सानू आज चाहत फतेह अली खान ही पा दे। माय का चौधरी रोयल साहब माय ते माजरा खान यही कहांगा तुम रीच रखो हो तुम रीच रखो हो कि करामात रखो हो रीच रखो हो या करामात करो हो तुम रीच रखो हो कि करामात करो हो रीच 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 रखो हो बेलिया। ये तो मन नहीं पता दुनिया के गरीब जागते हैं कि जानते वो नहीं सौंदी जिन्ना तू उच्चा बोलना ढाई दिन वो सिर पीड़ लगी रहनी है। शट अप माय स्वीट ऑथर ओए ऑथर जा रहे हैं ऑथर 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 टी एच ला नाल ऑथर। आप लोगों ने कभी नोट किया जब ये फंसते हैं ऐसे भी करो अंबल लगाता है पहले चल जी पर गा के भी सुनाई ना सानू नहर वाले पुल ते बुला के नाम ही गोद गान ला बंदा नहर वाले तुझे नाम। अच्छा फिर मजे की गल है वे के चौधरी कोल एक्शन इको ही है। चौधरी चौधरी नहर विच सुधा के आई नो वेरी वेल मुझे पता है कि सितारा देवी साइंस की यार तुझे साइंस की डांसर आई नो वेरी वेल मुझे पता है सितारा देवी एटमी सियासतदान यानी अपना सियासतदान वाड़ गया आई नो सियासतदान ने वाड़ दिया बीच चलो दोबारा और किसी ने किसी ने मेरे रिश्तेदार जोड़ ले नहीं अंटना बरस की मैं गाड़ी गाड़ी है ले ली गाना हूं मेनू नहीं अठारह बरस की कवारी कली थी
घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी घंटी डोरी टूटी चूड़ी ऐ कर दे कने के खेत में चलो चलो वो एडे बड़े दिमाग इच को गल आंदे आंदे टाइम लग चलो जिस तरह नहीं अजय सिंह चौधरी रॉयल साहब तुसा गड्डी लई सी 18 मॉडल ओसे देनी गड्डी दी गाना लगे वो 18 गाने च भी 18 है उनु जोड़ना हां चौधरी रॉयल साहब जदो तुसी 2018 गाड़ी लई सी ओसे देनी गड्डी च गाना लगना चाहिदी 18 बरस की गाड़ी ली थी उसमें चल बस ठीक है और ले लांगे बाचो ठीक है मिल गया ना क्यों मिल गया हमें और पहले तो उनके टायर में शामिल था उनके टायर में अटायर एस अटायर अटायर अलिफ अटायर तू मुड़ जा कितने चौधरी सस्ती बिजली चाइना में मिलती है या पार्लियामेंट में अब चाइना को और पार्लियामेंट को पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा मोशन कि आप इसको पार्लियामेंट को क्यों उसके साथ आप ब्रैकेट कर रहे हैं अगर तो आपके बैक ऑफ माइंड ये है कि शायद पार्लियामेंट में मुफ्त मिलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है ओके ये पता नहीं किसने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जी जी पार्लियामेंट लॉजेस जिस पे हम रहते हैं हाँ। उसका किराया भी देते हैं ओके और जितनी बिजली आप इस्तेमाल करेंगे आप अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल जो उनका टैरिफ है ओके आप उतना ही बिल अदा करेंगे नहीं सर गुजारिश तो अगर महंगी होगी पाकिस्तान में तो वो भी महंगी मिलेगी अच्छा आप लोगों को कंपैरेटिवली सस्ती नहीं मिलती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं तो गया आज आवाम ने ये जाना कि पार्लियामेंट भी महंगाई सवा नेजे ते ही आई है अच्छा मैं आपको एक और मजेदार प्लीज सर हमारी एक अरसा दराज से आजकल तो पेट्रोल का तो आपको पता होगा ना किस तरह है जी सर पता ना औकात से बाहर है सर छोटा लफ्ज है यार अब अंदाजा कीजिए कि एक हमारे यहाँ वहाँ पे 10 रुपए पर किलोमीटर था 10 रुपए पर किलोमीटर ये मेंबर पार्लियामेंट को ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता ओके, है ओके। और वो आज भी 10 रुपए ही है मुकदमे सर पर्चे रेफरेंस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑडियो वीडियो लीक्स किताबें सर सोशल मीडिया कैंपेन के बाद भी मतलूबा नतायज हासिल न हो तो जिम्मेदार कौन है सर तो आप कौन से नतायज लेना चाहते हैं सर जो नतायज हासिल करने के लिए ऐसे लोग सामने आ रहे हैं सर नहीं ये आप जेहन में रखें बाद में आपको गुजारिश करूँ कि अगर आप नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो उनका अपना एक वोटर अपनी जगह कायम है अब वो कितने परसेंट है या कितनी खूबसूरती से अपनी वो कंपेन चलाते हैं या लोगों को किस तरह खूबसूरती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है आपका इलेक्शन कंपेन पे आप उसका फॉलो देखें ना जैसे एक मरियम नवाज है मरियम जो है वो क्राउड पुलर है अग्रीड अब क्राउड पुलर तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है क्राउड आ गया देखने के लिए आ गया आपको करिश्मा आप में आपको देखने के लिए आ गया लेकिन वहीं पे क्राउड अगर मियां नवाज शरीफ उस क्राउड को अट्रैक्ट करते हैं कन्विंस करते हैं अपने माजी से ये बात बावर कराते हैं कि नवाज शरीफ ने बहुत कुछ किया इस मुल्क के लिए आइंदा भी करेगा तो मेरे ख्याल में शायद वो नतीजे बहुत फ़र्क होंगे सर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाहों की सबसे बुरी बात यह है कि वो सच्ची होती हैं वाह सर ऐसी ही कुछ अफवाहों के मुताबिक नहीं जी जी मैं सुन एक अफवाह पे अगर आपको हंसी आ रही है तो इसका मतलब है कि वो अफवाह ठीक नहीं है मजा में बात की गई है उसमें ऐसी बात नहीं है मैंने आपको बताया हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा है पहले ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਖਾ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਓ ਮਾਈ ਸਵੀਟ ਚੌਧਰੀ ਮਾਜਰਾ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਪੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੇ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੁਧਰਾਣੀ ਛਿੱਲਿਆ ਥੋਮ ਵੇਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਿਖੋ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪੁਰਖੋਂ ਪੇ शोरश कश्मीरी साहब ने लिखी थी उस बाजार में ओए होए तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस बाजार की तरफ है मेरी सियासी जद्दोजहद पे नहीं मैं जितना बड़ा थोड़ा मैं फैन है ना मेरे तो भी ज्यादा फैन थोड़ी चुदरानी है उन्होंने बुला फिर ये उसी होनी है यकीन करो उन्होंने अपने हाथों में थोड़ा लाचा कुर्ता सीता है तो वो आंदी के मां थाने गिफ्ट करना है ते जीप बाहर खड़ोती है चलिए किथे चुदराणी कोल भाई बड़ा ही कोई मुतमईन आदमी है भाई चौधरी तो या फोटो गई कुछ हाँ
तू दिखा दे फिर मैं देख के फैसला करा। चौधरी रोयल साहब मधुबाला की भी कोई फोटो वेखदा? ये तू मधुबाला देखी भी होगी कि नहीं? चौधरी रोयल साहब बाबू जी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना चौधरी शेरवानी तेरी पार्लीमेंट वाली है ते हरकतां तेरियां शाही किले दे हमसाए वालियां ने। ओके माजरा आप बाज आएंगी प्लीज? मैं ऐसा ही तो जुमानी गुफ्तगु से मैं ऐसा लिखती हूँ तो वायरल होती हूँ ना। शेख साहब मानिका साहब के इंटरव्यू से या फिर ये माजरा साहिबा की किताब से जो मरकजी किरदार है उनको कोई नुकसान पहुंचा? ये देखिए ये बड़ी माइनर सी चीज है। ओके उनको खुद तो पता ना उनका किरदार क्या है, उनकी शख्सियत क्या है, क्यों इतना धोखा दे रहे हैं। लेकिन जब शख्स ये कहे मेरी जुबान अगर खुलवा रहे हैं तो शायद आपने ये नहीं सुना कि उसने कादियानियों के मुतलक क्या बात की, उसने ज्यूश के मुतलक क्या बात की है। एक मुसलमान इलेक्शन लड़ा था, दूसरी तरफ ज्यूश इलेक्शन लड़ा था, उसने ज्यूश की बात की। सर थक गई पानिया पुण पुण के गलां इस दिल दियां सुन सुन के आया डाडा सानू कीता है तू तंग सजना बदले लवांगी तेथों चुन चुन के। मैं बदले नहीं लैंदा। तुसीं नहीं लैने उन्हें लैने ने ओ हाजरा माजरा ने हाजरा माजरा उधर उधर ध्यान में ना नगद लैना मेरा हुस्न देख सर कहंदे नहीं ला पा रहे आप उनके हुस्न नहीं। मैं दिमाग की जड़ी गल आती देख के तो भी निकल जाती है। मेरा भतीजा ढिड की खातर की करता फिर मैं चौधरी रोयल साहब मैं थोन टिप देना भी सानू नहर वाले पुल से बुला के और मावी कि भी सुनाए ना तुम तकल्लफ ही करते हो वो पहले तैयार बैठा होता मतलब चौधरी और ये बेचारे को पेट्रोल के पैसे नहीं नहीं पहुंचे। वेरी गुड चौधरी तरन्नम चौधरी लगे हो। फिल्म दुख सजना दा 1973 में रिलीज हुई। सिंगर थी लेजेंडरी मैडम नूरजहां साहिबा, म्यूजिक था सलीम इकबाल साहब का ख्वाजा परवेज अनवर और मौसीकी देसां दा राजा दी भी सलीम इकबाल साहब दी सी और इस लेजेंडरी गाने दी भी उन्हां दी ही मौसीकी है। सर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सर आप तो आपने धोखे में रखा हमें अब तक। नहीं मैं वैसे ही अभी लगा हूं आपके साथ। सर चुन्नी दा ओ पल्ला जरा बुलियां च लै के झूठी मूठी एवें किसी सोच में पै के हसदे हो हासा जड़ा जोरा जोरी डकिया। सर चलिए मैं रिवर्स में आता हूं। सर फिल्म थी ये ठा 1973 में रिलीज हुई थी। कामरान शाहिद साहब के वालिद साहब शाहिद साहब इसमें अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे और रोजीना साहिबा उनकी हीरोइन थी सर और सिंगर राम अली साहब थे सर। म्यूजिक इसका था सफदर हुसैन साहब का, शायर अगेन वारिस लुधियानवी साहब। पहली बारी आज ना अखियां ने तकिया ए हो जे आते अके हाय मार सटे आ हाय मार सटे आ एदा रह जंदा है। सर अगला और आखिरी गीत सर इस सेगमेंट का। सर चले ही जाना है नजर चुरा के यूं फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों भाई हैं भाई किसी को अपना बना के छोड़ दें भाई ऐसा कोई नहीं करता यार। चले ही जाना है तक दब्बा नजर चुरा सर पहुंचे सर पहुंचे सर मैं लेके जा रहा हूं आपको। फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा सर। ऐ मकबूल मम्मी अपनी गुमनाम आवाज में मेरा साथ दो इस गीत में। बाहों में चले आ हो हमसे सनम क्या पैदा हो
ਮਿਲਣ